नमस्कार। आइए मालती जोशी की कहानियों की श्रृंखला में एक और नई कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है यथार्थ से आगे। लेखिका मालती जोशी। दरवाजा मैंने खोल तो दिया किंतु वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई जड़वत। क्षण भर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने ही पूछा, अंदर आ जाऊं? तब कहीं होश में आ मैंने दरवाजा छोड़ा। सोफे पर बैठकर वे रुमाल से पसीना पोंछने लगे। सफर की थकान चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। मैंने पंखा खोल दिया और एक स्टूल सामने लाकर रख दिया। सहज भाव से उस पर पांव फैलाकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। भीतर जाकर मैंने पहले तो गैस पर चाय का पानी रखा, फिर घड़े से एक जग भरकर गिलास के साथ रख आई। फ्रिज का पानी उन्हें कभी भाता नहीं था और घर में सभी से एक तरह का कॉम्प्लेक्स मानते थे। रसोई घर में लौटकर मैंने चाय बनाई, खूब स्ट्रॉन्ग, चीनी कम, दूध अधिक। सारा फॉर्मूला जैसे रटा हुआ था। क्रॉकरी की अलमारी में ही बिस्कुट और दाल मोठ के पैकेट थे, पर उनकी ओर मैंने देखा तक नहीं। प्लेन टी उनका नारा था, जिससे मुझे हमेशा चिढ़ होती थी। चाय की टेबल पर जब तक दो चार चीजें ना हो मजा नहीं आता था। चाय लेकर पहुंची तब तक वे काफी सुस्ता चुके थे। चाय पीकर जैसे एकदम ताजे हो गए, बोले, और लोग कहाँ हैं? अम्मा तो हरिद्वार गई हुई हैं, भैया भाभी किसी शादी में, बबलू की वजह से मैं नहीं जा सकी। कहते कहते मैं यूं ही मेज पोष की सिलवटे ठीक करने लगी। डर था कि कहीं जान न ले कि अम्मा की अनुपस्थिति और बबलू की बीमारी ने मुझे भाभी के साथ हर जगह जाने की मजबूरी से निजात दिला दी है। फिर विषय बदलने की गरज से कहा, खाना तो नहाकर खाइएगा ना। खाना रतलाम में खा लिया था, पर पानी अगर मिले तो नहा जरूर लूंगा। मैंने अभ्यस्त हाथों से अटैची खोली। कपड़े निकालते निकालते ढेर सारे खिलौने फर्श पर बिखर गए। मैंने ऊपर देखा, वे मेरी ही ओर देख रहे थे। खिसियाते स्वर में बोले, बबलू के लिए लाया था, कैसा है अब? जी अब ठीक है, पर उस समय एक बार तो मैं घबरा ही गई थी। हाँ यह स्वाभाविक है, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें नहाने भेजकर मैंने सब्जी की टोकरियां टटोलनी शुरू की। एक और मुझे हंसी भी आ रही थी। कह दिया रतलाम में खा लिया था, होटल का खाना और वह भी बस अड्डे पर। कभी खाया भी है आज तक? बाहर खाने की बात को लेकर तो पता नहीं कितनी बार झड़प हुई थी, और फिर बिना नहाए कब खाया है? शीलू तो हमेशा पंडित जी कहकर चिढ़ाया करती थी। उस बार आबू में 2 बजे तक नहाने की सुविधा नहीं हो पाई थी, पर मजाल है एक कौर भी मुंह में लिया हो। वे नहाकर निकले तब तक मैंने लौकी का रायता और भरवा बैंगन तैयार कर लिए थे। प्याजी पुलाव पक रहा था। उन्हें तेल शीशा देते हुए मैंने कहा, कनपटी के पास कितने सारे बाल सफेद हो आए हैं। वे हंस पड़े, क्या देख रही हो, बूढ़ा हो गया हो ना? बैंक का मरा काम ही ऐसा है, दिन भर आंखें फोड़ो और दिमाग खपाओ, बाल सफेद होंगे नहीं तो क्या होगा। रात को थोड़ी ब्राह्मी की मालिश क्यों नहीं करते? तलवों में लौकी लगाने या गाय का घी मलने से ठंडक रहती है। कहते कहते मुझे लगा मैं नहीं कोई दादी अम्मा बोल रही है। वे एकटक मुझे देखते रहे। सकुचाकर मैंने कहा, बबलू के पास बैठेंगे ना थोड़ी देर? खाना बस अभी बना ही जाता है। बबलू अपनी मसहरी में बैठा तस्वीरों वाली पुस्तक देख रहा था। वह कब जगाया पता ही न चला। हम लोगों की आहट से चौंक कर उसने ऊपर देखा, बड़ी देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे मेरे कान में फुसफुसाकर बोला, पापा है ना? इस प्रश्न का उत्तर देने के करुण कर्तव्य से उन्होंने उबार लिया और लपक कर उसे गोदी में उठा लिया। मैं फिर वहां खड़ी न रह सकी। रसोई मुझे बुला ही रही थी, पुलाव जलने को था। झट उतार कर मैंने अंगीठी पर कुछ कोयले लगाए। तवे पर सिकी रोटियां उन्हें जरा नहीं भाती थी। बर्तियां टटोल कर उनकी पसंद का, खासकर अम्मा के हाथ का बना कटहल का अचार निकाला। 2 फुलके जब बन गए तो मैं थाली लगाकर कमरे में ले गई। देखा बबलू महाशय पापा की ठोड़ी पर गाल रगड़ते हुए आराम से लेटे हैं। बातें निरर्थक, बातें करने का उन्हें समय नहीं है। मैंने खिलौनों का ढेर उसके सामने पटक कर कहा, देख तो तेरे लिए क्या क्या चीजें आई हैं। लेकिन और दिनों की तरह वह झपटा नहीं, बस अपने आसन पर बैठा देखता रहा।
अपनी कृतज्ञता जताने के लिए उसने पापा को जोर से भींच लिया। बस उसका नन्हा सा मन भी जान गया था कि खिलौनों के लिए तो काफी समय पड़ा है। पाँव में जैसे पर लग गए हों, मैं फुलके बनाती रही देती रही। आखिर जब उन्होंने कहा, कितने दिनों का इकट्ठा खिला रही हो, तब कहीं जाकर मैंने उन्हें उठने दिया। थाली लेकर अब मैं लौटी तो अचानक सामने भैया पड़ गए। अपनी रौ में मैंने कार की आवाज तक नहीं सुनी थी। भैया का चेहरा तना हुआ था और आवाज को प्रयत्न पूर्वक धीमा करते हुए उन्होंने कहा, हजरत अब क्या चाहते हो? बच्चे को देखने आए हैं, मैंने जैसे दीवार को जवाब दिया। मेरे स्वर से भैया चौंके और चुपचाप बाहर चले गए। पिछले 2 घंटों से मैं जैसे किसी कल्पना लोक में थी और अब मेरे पांव जमीन पर आ लगे। भैया का भी वैसे दोष क्या था, इनको लेकर उनकी राय कभी भी अच्छी नहीं रही। इस शादी में दोनों पक्षों में से किसी की भी सम्मति नहीं थी। हम लोग सामाजिक मानसिक किसी भी धरातल पर समकक्ष नहीं थे। केवल प्रेम का क्षणिक आवेग ही हमें बांधे हुए था। सबका विरोध मोल लेकर जिस नींव पर हमने दाम्पत्य की नींव डाली थी, शादी के तुरंत बाद ही वह धसकने लगी। अपने परिवार का, परिवेश का, बिछोह दोनों को ही सहन न हो सका। प्रेम का पहला उफान खत्म होते ही गिद्धों की तरह एक दूसरे की कमजोरियों को, घावों को नोचने लगे। बबलू के जन्म से भी इस खाई को भरा नहीं जा सका था। दोनों के परिवारों ने इस संबंध को बिगाड़ने में भी अधिक दिलचस्पी ली। मेरे परिवार के लिए यह रिश्ता स्तर से नीचे का था। उनके यहाँ तो मुझे कभी सहानुभूति नहीं मिली। हमारे लिए खुशी की बात यह थी कि हमने सौजन्य के साथ एक दूसरे से विदा ली। वहां वाले तो उधार खाए ही बैठे थे। तलाक के दूसरे ही वर्ष उनकी शादी कर दी। फिर भी आज उन्हें देखकर मन में आक्रोश नहीं, बल्कि दया या कृतज्ञता सी मन में जगी थी। बेचारे महज बबलू के लिए इतनी दूर से दौड़े आए थे। पता नहीं क्यों पिछले वर्ष से बबलू को अपने पापा के विषय में बड़ी जिज्ञासा हो चली थी। शायद स्कूल जाने का यह परिणाम हो। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया था, मम्मी क्या शीलू की तरह पापा भी भगवान के यहाँ चले गए हैं? मैं फटी आंखों से देखती रह गई थी। उसका भी क्या दोष? इस घर में उनका कोई स्मृति चिन्ह न था। उनका नाम और लेख तक यहाँ वर्जित था। तब मैंने ही चुपचाप सारे एल्बम ट्रंक की तलहटी से निकाल लिए थे। बबलू घर भर की नजरें बचाकर घंटों उनमें खोया रहता। मुझसे कुरेद कुरेद कर उसने पापा की आदतें, उनके कपड़े तथा शौक जैसे कंठस्थ कर लिए थे। उसने पता नहीं कैसे उनके चेहरे की एक एक रेखा को आत्मपात कर लिया था कि 4 साल बाद भी उन्हें देखते ही पहचान गया था। इस बार जब उसे डिप्थीरिया हुआ तो पता नहीं उसने कितनी बार करुण स्वर में उन्हें याद किया। मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन जी कड़ा करके मैंने लिख ही दिया। वह पत्र पता नहीं कितनी बार लिखा गया, जलाया गया। लिफाफे में बंद होने पर भी अनिश्चय की अवस्था में न जाने कितने दिन तक मेरे पर्स में झूलता रहा था। पर उन्हें यह असमंजस नहीं व्यापा था, पत्र मिलते ही चले आए थे। इस एहसास से मेरे आंसू निकल आए। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज घर में कोई नहीं था, नहीं तो क्या इस तरह जी भर कर उन्हें खिला सकती थी, उनके पास बैठ कर बात कर सकती थी। लौटकर कमरे में गई तो देखा अखबार मुंह पर ढककर भी आराम कुर्सी पर सो रहे थे। मन पसंद भोजन की तृप्ति उनके चेहरे पर थी। मेरी आहट से उनकी तंद्रा टूटी। बोले, अरे कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है? फिर कुछ धीमी आवाज में कहा, क्या भैया ने कुछ कह दिया? नेवर माइंड, आई वॉज नेवर इन हिज गुड बुक्स। कितनी सरलता से कह गए थे। और दिनों तो इन्हीं बातों को लेकर घंटों महाभारत होता था। प्रसंग बदलने के लिए मैंने कहा, घर पर सब ठीक है? सब ठीक है। माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। महेश ने MSc का इम्तिहान दिया है। भानु की शादी नवंबर में हो रही है। और गुड्डी कैसी है? क्या नाम रखा है? मुग्धा। सुनकर मन में एक कचोट सी लगी। परिवार नियोजन के समस्त नियमों को ताक पर रखकर मैंने बच्चों के नामों की जो लिस्ट बनाई थी, उनमें एक नाम यह भी था। मैंने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर इस तरह का कोई भाव न था, बल्कि वे घड़ी देख रहे थे। चले भाई, नहीं तो 5:30 बजे वाली ट्रेन नहीं मिलेगी। क्या आज ही? शब्द मेरी जीभा तक आते आते रुक गए। बस मैंने इतना ही कहा, मैं चलूं स्टेशन तक।
मैं भी। खिलौनों में उलझा बबलू एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। अभी उसे हम लोग बाहर नहीं ले जाते थे, पर आज ये सब फालतू बातें सोचने का समय नहीं था। तैयार होकर हम निकले, पर धूप चिलचिलाती हुई थी। कोल तार की सड़क एकदम चमचमा रही थी। उन्होंने बबलू को उठा लिया था, अटैची मेरे हाथ में थी। इस तरह चलना कितना भला मालूम हो रहा था। दूसरी ओर धूप का ख्याल ना होता तो मैं टैक्सी भी न करने देती। स्टेशन पर हमेशा की तरह हाय तौबा का वातावरण था। उन्होंने पर्स मुझे देते हुए कहा, तुम टिकट लेकर आ जाओ, हम प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। धक्का मुक्की में टिकट लेकर जब प्लेटफॉर्म पर आई तो देखा स्टेशन के कोने पर दूर लकड़ी की बेंच पर दोनों बैठे हैं। मैं भीड़ को चीरती पास तक आ गई, पर अपनी बातों में दोनों ऐसे उलझे थे कि मुझे देखा तक नहीं। बबलू ही बोल रहा था, वे तो बस श्रोता बने बैठे थे। दोस्तों की बातें, मास्टर जी की तारीफ, नानी का लाड दुलार, मामा का नियंत्रण और मामी का रूखापन, बारी बारी से सबका वर्णन हो रहा था। कई बातें तो मेरे लिए भी नई थी। बबलू जैसा शर्मीला लड़का इतनी जल्दी घुल मिल जाएगा मैंने कल्पना भी ना की थी। मेरी चूड़ियों की खनक से अनायास उनकी बातों का सिलसिला टूटा। पर्स और टिकट उन्हें लौटाते हुए मैंने वे पुस्तकें भी उन्हें दी जो मैं सफर के लिए लाई थी। पुस्तकें रखने के लिए बैग खोलते ही चकित रह गए। ऊपर ही एक पैकेट पड़ा था। उन्होंने मेरी ओर देखा, उन निगाहों से बचते हुए मैंने कहा, गुड्डी के लिए है, बबलू की ओर से। दरअसल यह फ्रॉक मैंने बेहद छिपा कर रखा था और उम्मीद थी कि यहां से जाने के बाद ही देख पाएंगे। छिपा कर इसलिए कि वे कहीं नाराज ना हो जाएं कि बबलू के खिलौनों का बदला दिया जा रहा है। पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम कितने फॉर्मल होते जा रहे हैं। बात शायद व्यंग में कही गई थी, पर मैं तो इससे भी बड़े विस्फोट की आशा कर रही थी। यह फ्रॉक मैंने भाभी की पिंकी के जन्मदिन के लिए रात रात भर जागकर खाड़ा था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसे देने में शायद एक ऋण चुकाने का सा भाव रहता। इस देने में एक अनजानी तृप्ति थी। अंतिम घंटी बजी और स्टेशन पर एक हलचल सी मच गई। बबलू उनके घुटनों में मुंह छिपाकर खड़ा हो गया, शायद रुलाई रोकने की चेष्टा कर रहा था। उसे गोद में उठाकर देर तक वे प्यार करते रहे। मैं दूसरी ओर मुंह किए उनका बैग थामे रही। मन के द्वार पर एक प्रश्न बार बार थपकी दे रहा था, अब कब आइएगा। पर शब्द अंदरों तक आकर लौट लौट जाते थे। रेल मानो कलेजे पर हथौड़ी की चोट करती धड़धड़ाती स्टेशन में दाखिल हुई। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बबलू को मेरी गोद में दिया और लपक कर किसी डिब्बे में जा चढ़े। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लौटते समय टैक्सी में बबलू मेरी गोद में सिसकते हुए कह रहा था, मम्मी यह रेल कैसी है जो पापा को इतनी दूर ले जाती है। और मेरा मन कह रहा था, बेटे कैसी तो तेरी मम्मी है, नहीं तो इस रेल निगोड़ी की क्या मजाल थी जो इस तरह तेरे स्नेह की छाया, तेरे अधिकारों का घर छिन जाता।